ब्लेसिंग्स, खुश रहे, खुश रखे। गणपति जी जाने को तैयार है और शुरू करके जा रहे हैं त्योहारों का उत्सव। इस उत्सव के दौरान सर्वप्रथम 15 दिन के पितृपक्ष आएंगे। पितृपक्ष जिसके तहत हम कृतज्ञता के रूप में अपने पितरों को प्रणाम करेंगे, उनको स्मृति करेंगे। विशेषकर पितृपर्व 15 दिन के होते हैं, जो तिथि अनुसार हर हमारा जन्मानुस अपने माता पिता दादा दादी का श्राद्ध करता है श्रद्धा के साथ। इस बार कई चिंताएं हैं, जैसे कि पानी जो दिन प्रतिदिन हमारा कम होते जा रहा है, उसके प्रति एक हम 5 तत्व के शरीर, एक मनुष्य योनि में जन्म लिया, हमारी क्या जवाबदारियां हैं। दूसरी हरियाली, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि अब आने वाले श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के नाम श्राद्ध तो करेंगे, तर्पण भी करेंगे, एक वृक्ष जरूर रोपित करें, उनको अपने पितरों के नाम से याद करें, उनका लालन पोषण उसी प्रकार आप करें जिस प्रकार आप किसी अपने परचेस किए गए लायक पौधे का करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इसके साथ हम प्रकृति में भी, जो प्रकृति से हमें मिलता है, उसको भी हम कुछ अंश देने का प्रयास करेंगे। और आने वाली गंभीर समस्या जो जल को लेकर है, जिनके लिए सद्गुरु जी का एक मुहिम चला हुआ है रेडी फॉर रिवर्स, इज टू मच कंसर्न अबाउट द वाटर लेवल। तो हमारा काम है एक मानवता के नाम पर कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे। धन संचय तो प्रवृत्ति है, हमें सोच के जाएंगे हमारे बच्चों को बंगला बना के दिया, हमने बच्चों को मकान बना के दिया, पर आप क्या कुछ ऐसा देना चाहेंगे प्रकृति के प्रसाद के रूप में, ताकि वह बच्चे आपको याद कर सके, याद ना करें तो भी कहीं ना कहीं आपको याद करें। तो ये श्राद्ध पक्ष क्योंकि वर्षा ऋतु की बात ही आ रहा है, तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, इस प्रकृति के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का इससे सुंदर कोई मौका नहीं आएगा। एक एक वृक्ष अपनी क्षमता के अनुसार अपने प्रांगण में या कहीं और लगाकर उसका लालन पोषण एक पूरे माह में करें, जिस प्रकार एक पिता एक मां अपने बच्चे की करती है। भगवान कहीं नहीं, सब आपके अंदर है, वे आपके विचारों में भगवान है, आपके विचारों में राक्षस है। कौन से विचार का उपयोग करके आगे बढ़ना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कृष्ण भगवान कहेंगे कलयुग केवल नाम दिया। ओके, ब्लेसिंग टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और पितृ पर्व की कृतज्ञता की शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे पितरों की कृपा सदा आप पर बरसती तो है, लेकिन इस दौरान और बरसे और जो भी आपकी अड़चने हैं वो सब दूर हो। ब्लेसिंग, खुश रहे, खुश रखें।